हे गाइस, मैं आज आप सबके लिए बिल्कुल नए अंदाज में ऐसी टेस्टी पनीर की सब्ज़ी लेके आई हूँ कि जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। और इसे आप चावल से खा सकते हैं, नान से खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल होटल स्टाइल। हाय गाइस, शशि तड़का किचन में मैं शशि आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज की रेसिपी शुरू कर। इस सब्जी के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है वो सामान देख लेते हैं। तो यहाँ 3 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और 10 से 12 कली लहसुन, 1 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 250 ग्राम पनीर मैंने ले लिया है, इसे इस तरीके से चौकोर शेप में कट कर लिया है, 4 प्याज ले लिया है। सबसे पहले हमें शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज इन सबको हम काट लेते हैं। तो यहाँ 2 प्याज मैंने इस तरीके से चौकोर शेप में काट लिया है और शिमला मिर्च को भी इस बड़े पीसेस में कट कर लिया है, 1 टमाटर को भी मैंने बड़े पीस में कट कर लिया है और बाकी 2 टमाटर मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है और अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च इन सब को चॉपर में चॉप करके ले लिया है। 1/4 कप मखाना ले लिया है, उसे हमें रोस्ट करना है। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मैदा और सूखे मसालों में गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी और 1/2 छोटी चम्मच मैंने नमक ले लिया है। इन सब को एक साथ मसालों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद पनीर डाल करके इस तरीके से कटोरे में हम उछाल लेंगे यानी लपेट लेंगे ताकि पनीर के ऊपर इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए, कोटिंग हो जाए। फिर उसके बाद इसे हमें तेल में फ्राई करना है। तो पनीर के ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो गई है मसालों की, चलते हैं पनीर को फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ 1 चम्मच घी डाल करके मैंने मखाना को सबसे पहले रोस्ट कर लिया है, उसे निकाल लिया है, मखाने रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें हम तेल डाल दिया है कढ़ाई में हमने, तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो गया है तो उसमें हमने जो पनीर की अच्छी मसालों के साथ कोटिंग की थी वो एक एक करके जितने एक बार में आएंगे वो पनीर डाल करके हम इसे इस तरीके से हल्का सुनहरा होने तक उलट पलट करके फ्राई कर लेना है अपने पनीर को। तो यहाँ देखिए पनीर एक बैच की मेरी फ्राई हो गई है, इसी तरीके से हम दूसरे बैच की भी पनीर फ्राई कर लेंगे तेल में। तो उसी कढ़ाई में तेल थोड़ा सा रह गया था तो जो हमने शिमला मिर्च और प्याज को कट करके रखा था इसे भी हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और साथ में मैंने टमाटर को भी काट के रखा था, टमाटर को भी इसी के साथ हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है। तो सब्जियां हमारी भून चुकी हैं, उसके निकाल लिया है एक बर्तन में। अब यहां देख लेते हैं सब्जी के लिए हमें मसाले क्या लगने वाले हैं। तो यहां पे मैंने एक कटोरी ले लिया है, उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। तो इन सबको पानी डाल करके थोड़ा सा घोल तैयार कर लेंगे मसालों की। अब सभी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं तो यहाँ पे हम अब चलते हैं सब्जी बनाने की तरफ। तो उसी कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल और डाल दिया है, तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे जीरा और 2 तेज़पत्ता डाल दिया है। उसके बाद मैंने चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन, प्याज इन सब को डाल दिया है। डालने के बाद मैंने नमक भी इसी के साथ डाल दिया है। डाल करके हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें प्याज को भूनना है अच्छे से। तो प्याज हल्का सुनहरा हो गया है। उसके बाद मैंने चॉपर में चॉप करके टमाटर को रखा था वो भी डाल दिया है। इसी के साथ हमें टमाटर को भी भून लेना है। अब जो हमने मसालों का पेस्ट तैयार करके रखा था वो डाल दिया है और डाल करके अच्छे से चला करके इसे ढक करके मैंने लो फ्लेम पर मसालों को अच्छे से पकने दिया है। बीच बीच में मैं चलाती भी रही हूँ। मसालों को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से भूनने दिया है। उसके बाद देखिए इसमें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है सत्तू, चना सत्तू जो पैकेट वाला आता है वही मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है और इसे भी मसालों के साथ 2-3 मिनट मैंने भून लिया है और मसाले ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है यानी मसाले अच्छे से हमारे पक चुके हैं। तो यहाँ दूसरे साइड मैंने रसे के लिए मैंने पानी दूसरे साइड 1.5 कप के करीब गर्म कर लिया था, अच्छे से उबाल लिया था। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है और साथ ही के साथ मैंने जो पनीर फ्राई करके रखा था वो भी डाल दिया है और इसमें प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को जो हमने बड़े साइज में भून करके रखा था वो भी डाल दिया है। डाल करके अच्छे से मिक्स कर ढक्कन से कवर करके इसे मैंने 5 मिनट पका लिया है। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपको रसा खाना पसंद हो सब्जियों में उस हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट बाद सब्जी हमारी बन करके पनीर की तैयार।
तैयार हो गई है और मैंने मखाना भी डाल दिया है। डाल करके उसे अच्छे से सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद देखिए सब्जी हमारी बन करके तैयार हो गई है, गर्मा गर्म पनीर की सब्जी, वो भी होटल स्टाइल में बन करके तैयार हो गया है। घर पर बिल्कुल बनाना आसान है पनीर की सब्जी, इसे आप रोटी, चावल, नान किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। आज की वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ख्याल रखें।